खबरदार, अगर किसी ने इसे जंगल राज कहा तो। तेजस्वी ने फोड़ा सियासी बम, पीएम मोदी और सीएम नीतीश का भी लिया नाम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर वार किया है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए आरोप लगाया है कि बिहार के हालात बेहद ही खराब हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला और लिखा, ये मोदी जी और नीतीश जी द्वारा बिहार में लाया गया महामंगल राज है, खबरदार, अगर किसी ने इसे जंगल राज कहा तो। वहीं तेजस्वी यादव बिहार में आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाने पर बिहार सरकार मंत्री प्रेम कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने गिरेबान में पहले झांक लें। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों और पीड़ितों के बीच समझौता होता था। बिहार में पहले आपराधिक घटनाएं होती थीं, उसमें अपराधियों को बचाया जाता था। अभी भी आपराधिक घटनाएं होती हैं तो अपराधियों को दंडित किया जाता है। तेजस्वी यादव बिहार के सुशासन कानून पर उठने से पहले लालू यादव के समय को भी याद करें। देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास का परिणाम सामने दिखने लगा है। देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में काफी व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के समय से जो कानून थे उसका अंत हो जाएगा। 3 नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उपरोक्त तीनों जो मतलब जो नियम अधिनियम जा करके हैं, और अब नए कानून भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। अब प्राथमिकी देश में किसी कोने से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन करना संभव होगा। चोरी की धारा 420 को अब 316 कहेंगे, हत्या की धारा 302 को अब 103 कहा जाएगा, दुष्कर्म के मामले में धारा 376 को अब धारा 363 कहेंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं जो थी अब मात्र 358 धाराएं होगी। तय सीमा के अंदर लोगों को न्याय मिलेगा, न्याय सरल आसान होगा। तारीख पर तारीख की बात पुरानी होगी। बलात्कार मामले में मौत की सजा का प्रावधान होगा। ये तीनों कानून से देश की न्याय प्रणाली में बदलाव आया है, उससे देशवासियों को समय न्याय मिलेगा इसकी उम्मीद थी और हमारी सरकार का जो वायदे थे आज माननीय मोदी जी के प्रयास से 3 कानून लाए गए हैं जो अंग्रेज के जमाने का था, जिसमें न्याय प्रक्रिया काफ़ी मतलब विलम्ब से लोगों को मिल पाती थी, सही समय न्याय नहीं मिल पाता था। कि माननीय मोदी जी के प्रयास से तीनों कानून में बदलाव जो लाए गए हैं, उत्तरित ऑनलाइन समय पर लोगों को न्याय मिलेगा। इस पर जमा खान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के समय में जो सरकारें चली हैं, तेजस्वी अगर उन बातों को नहीं जानते हैं और जानेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी होगी। आज ही कह रहा हूँ, ये सवाल उनका है तो सवाल उन्हें परिवार से पूछ सकते हैं। जो उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाकर चलाने का काम किया है, उनके 2005 से पहले उनके ही पिताजी का सरकार था, वो सरकार कैसा चला है शायद उधर अगर नज़र रखेंगे निश्चित तौर पर शर्मिंदगी महसूस होगी। जिस तरह सरकार लोग चलाते थे, और 2005 के बाद जो सरकार हमारी चल रही है वो भी मेरे साथ रहे हैं, देखे हैं, वो खुद बोले हैं कि ये मेरे गार्जियन हैं, मैं सीखता हूँ और सीखना भी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छे नेता से सीखना चाहिए। इन्होंने नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर कानून के साथ साथ विकास भी किया, कानून का पालन भी कराया, और जो असामाजिक तत्व थे, जो गड़बड़ लोग थे, वो बिहार से उनको बाहर भी किया। आपको याद होगा हम लोग छोटे थे, यंग बच्चे थे, पढ़ते थे, 2005 के पहले किस तरह ये बिहार सहमा हुआ था, डरा हुआ था, किसी भी कोई समाज का था निकलता था, डर लगा था। ये जो दिखाई दे रहा है पटना से लेकर पूरे बिहार में, जिधर नज़र दौड़ाइएगा छोटा काम बड़ा काम किसी और का नहीं, नीतीश कुमार जी का देने के विकास हो रहा है। हम लोग सीना चौड़ा करके देश के अंदर जाते हैं, कहते हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ
वो न बताएं हंसी आती है कि जो अगर ये बात कहना है तो पिताजी से कहते कि पिताजी आप क्या कर रहे थे 2005 के पहले, बिहार कैसा था, आज ये बिहार कैसा, हमारा नाम उनका भी हो रहा है, बिहार रहने वाले वो भी लोग हैं, आज नीतीश कुमार चलते हर समाज हर जाति हर पार्टी के लोगों का नाम हो रहा है। उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारे नेता को निश्चित तौर पर हमारे नेता सीखना चाहिए, हमारे नेता को जो उन्होंने नेता के साथ काम उन्होंने भी किया है, नेता ने काम करने का तौर तरीका उनको भी सिखाया है, इसको अवगत कराना चाहिए फिर बिहार पूरे देश को। निश्चित तौर को मैं यही कहूँगा उनसे, किसी को तो विरासत पे आए और जिन्होंने उनके पिताजी माँ ने बिहार को चलाया उस स्थिति को देखें आज देखें, निश्चित तौर मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि नेता ने तुम्हारा सीखें काम करें, जनता है जब जिसको जनता मौका देगी काम पर देती है प्यार पर देती है, जात पार्टी जाति धर्म की ये सब बातें न करें लोग, निश्चित तौर पर और भी लोग जो है नीतीश कुमार से सीखें, जिस तरह नीतीश कुमार ने बिहार को चलाने का काम किया आज देश चला रहे हैं। दरअसल एनडीए के नेता लालू राबड़ी के 15 सालों के शासनकाल को जंगल राज बताकर अक्सर आरजेडी और लालू परिवार को घेरने की कोशिश करते रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी एनडीए नेताओं ने बड़े ही जोर शोर से जंगल राज की याद दिलाई थी। ऐसे में तेजस्वी यादव एनडीए को अपराध के मुद्दे पर लगातार घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि अपने भाषणों में या फिर सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर हैं। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।